हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई अनंत। एंड आज के हमारे इस वॉकअप सेशन का आज का हमारा पहला वर्ड है जुबिलेंट। तो दोस्तों, जुबिलेंट वर्ड का मतलब अब हम देखेंगे, और इस वर्ड का मतलब दोस्तों होता है जॉयफुल। जॉयफुल या फिर हम कह सकते हैं वी कैन से प्राइडफुल। तो दोस्तों, आप एक बात बताइए, आपने थ्री इडियट मूवी तो देखी ही होगी, और थ्री इडियट मूवी में एक गाना है जूबी डूबी। तो जूबी डूबी गाना कौन गाएगा, कब गाएगा? जब वो जॉयफुल होगा, प्राइडफुल होगा, बहुत खुश होगा। तो ऐसे हमने याद किया इस वर्ड को, जुबिलेंट, जॉयफुल और प्राइडफुल। अगला हमारा वर्ड है बैफल। तो दोस्तों, बैफल साउंड्स लाइक बेफल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बैफल साउंड्स लाइक बेफल, मतलब आपने कोई काम किया और उस काम का आपको फल नहीं मिला। बट कभी आपने सोचा कि आपको उस काम का फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप जब उस काम को कर रहे थे तो आप बहुत कंफ्यूज थे, और कंफ्यूजन के कारण आपके काम कैसा हो गया, वो बेफल हो गया। तो बैफल मीन्स होता है कंफ्यूजन। बैफल का मतलब हो गया दोस्तों कंफ्यूज होना, कंफ्यूज, कंफ्यूजन ऐसा हम बोल सकते हैं। आज का हमारा तीसरा वर्ड है दोस्तों इंसीडियस। तो इंसीडियस का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इंसीडियस एक हॉरर मूवी है, तो ये सभी आपने देखी ही होगी, या नहीं भी देखी होगी तो आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इंसीडियस मूवी एक हॉरर मूवी है, और हॉरर मूवी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। बच्चों के लिए इंसीडियस मूवी कैसी है? हार्मफुल है। कैसी दोस्तों? हार्मफुल है। तो इंसीडियस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हार्मफुल। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का वर्ड है लुक्रेटिव। तो दोस्तों देखिए, इस वर्ड में अगर हम इसको ध्यान से बोले तो देखिए, लुक्रेटिव, लुक रेट, तो ऐसे हमको जैसे कोई कह रहा है कि रेट को देखो, लुक रेट, लुक रेट। तो रेट को क्यों देखेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी चीज खरीद वगैरह खरीद रहे हैं, या जो भी हम कुछ परचेज करने वाले हैं, उसमें हमको प्रॉफिट हो ना। तो लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। लुक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल। तो लुक रेट, आप रेट को देखेंगे, प्रॉफिटेबल होगा तभी आप उस चीज को खरीदेंगे। तो लुक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल। आज का हमारा फिफ्थ वर्ड बेस्टो। तो दोस्तों, बेस्टो साउंड्स लाइक बेस्ट दो। बेस्टो, बेस्ट दो, बेस्टो, बेस्ट दो। तो आप किसी को बेस्ट देंगे, ठीक है? तो आप मान लीजिए किसी को कोई इनाम दे रहे हैं, कोई प्राइज उसको दे रहे हैं, कोई अवार्ड उसको दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बेस्टो। तो बेस्टो का मतलब हो जाएगा टू गिव, टू गिव। और ज्यादा प्रॉपर अगर हम देखें तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कन्फर। तो ये था हमारा आज का फिफ्थ वर्ड। और कन्फर के साथ साथ इसको हम ये भी बोल सकते हैं टू गिव, टू कन्फर, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट, टू प्रेजेंट, ऐसे करके कुछ भी। तो ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं सारे इसके सिनोनिम से। ये रहे आज के हमारे पांच वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, और सिक्स नंबर का वर्ड है लैक्रिमोस। तो दोस्तों, लैक्रिमोस का मतलब होता है क्या होता है? देखिए, इस वर्ड में ही आपको क्राई वर्ड देखने को मिलेगा, CHRY से अगर हम बोले तो। ये मान लीजिए क्राई लिखा है ये, तो क्राई का मतलब क्या होता है? जब कोई दुख में है, मौन कर रहा है, सोरो है, ठीक है? तो हम इसका मतलब क्या बता सकते हैं यहाँ पे? अब लैक्रिमोस का मतलब हो जाएगा मौनफुल। और क्या कह सकते हैं इसको? सोरो भी, सोरो से भी रिलेट कर सकते हैं, दुख से भी रिलेट कर सकते हैं। तो लैक्रिमोस, क्राई, लैक्राई, 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 क्राई से आपको याद रखना है लैक्रिमोस। अगला हमारा दोस्तों वर्ड है ड्रजरी। ड्रजरी, तो दोस्तों ये ड्रजरी वर्ड ड्रग्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे लगेगा। जैसे आप इसको रिलेट करिए, जैसे ड्रग्स, या ड्रग्स से हम कुछ बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आदमी ड्रग्स बेचते हैं, उनका काम बहुत क्या होता है? बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? बहुत हार्ड वर्क करते हैं ड्रग्स को बेचने के लिए। लेकिन वो ड्रग्स को बेचते बेचते क्या हो जाते हैं? बहुत बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई काम नहीं कर सकते, है ना? बहुत उनको छुप के रहना पड़ता है, वो बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ से ड्रग्स बेच बेच के। ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ड्रजरी का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे हार्ड एंड बोरिंग वर्क। हार्ड एंड बोरिंग वर्क, तो ऐसे हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला एट नंबर का वर्ड है दोस्तों हमारा कॉन्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस, तो देखिए दोस्तों, इस वर्ड में स्टार्टिंग में अगर हम इसके वर्ड के इनिशियल पार्ट को देखें तो यहाँ पे देखिए कौन तुम, कौन तुम मतलब तुम कौन, कौन तुम? तो कोई बच्चा है बहुत जिद्दी, और उससे कोई मनाने गया तो बोलता तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, कौन तुम, कौन तुम, कौन तुम कौन हो, ठीक है? तो ये बच्चा बहुत जिद्दी है, कॉन्टुमेशियस है, कॉन्टुमेशियस है। तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या हो गया? स्टबन, स्टबन यानी कि जिद्दी। नाइन्थ नंबर का वर्ड है दोस्तों इमेनेट। इमेनेट, इमेनेट, इमेट। देखिए दोस्तों, इस वर्ड को हम ऐसे ऐसे अगर बोले इमेनेट, इमेट, इमेनेट, इमिट, इमिट से आपको इसको याद रखना होगा। आप कोई भी चीज इमिट हो रही है ना, तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा एमिट। और क्या बोल सकते हैं? टू गिव आउट, कोई चीज को हम गिव आउट कर रहे हैं ना, एमिनेट, गिव आउट, ओरिजिनेट, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, ओरिजिनेट। तो
ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। आज का हमारा आखिरी वर्ड है दोस्तों, ऑप्यूलेंट। अब ये ऑप्यूलेंट वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। देखिए लेंट का मतलब होता है, या लेंड अगर इसको हम बोले तो लेंड मतलब होना होता है किसी को उधार वगैरह देना। तो उधार कौन देगा? जो आदमी अमीर होगा, जिसके पास पैसे होंगे। तो ऑप्यूलेंट का मतलब होता है दोस्तों रिच। ऑप्यूलेंट का मतलब हो गया यहाँ पे रिच, ठीक है। रिच बोल सकते हैं, या फिर हम सुपीरियर बोल सकते हैं। जो सुपीरियर होगा वही किसी को कुछ देगा। सुपीरियर, सुपीरियर इन क्वालिटी, सुपीरियर इन क्वालिटी। तो ये हैं आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।